स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूतिया बंगले की कहानी। इस कहानी में एक शख्स जो जंगल में अपनी कार खराब होने की वजह से भटक जाता है, उसके साथ क्या होगा? भटकते भटकते उस बंगले में पहुंच जाने के बाद क्या वहां कोई साया प्रेत उसका इंतजार करता है? कैसे वो वहां पहुंचता है, जानते हैं इस कहानी में। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं इस कहानी की ओर और सुलझाते हैं इसका रहस्य। दिन का उजाला किसी राक्षस के बड़े और काले साए से पराजित होकर गहरे अंधेरे में तब्दील होता जा रहा था। मैं डगमगाते कदमों से चलता हुआ घने जंगल के पगडंडियों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। भयानक जंगल को पागल कर देने वाले सन्नाटे में मैं अब बिल्कुल तन्हा था। रह रहकर ना जाने क्यों मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था जैसे कोई धीमी कदमों से मेरे पीछे भी चल रहा हो, मानो जैसे मेरी धड़कनों और मेरी तेज सांसों में परस्पर होड़ लगी हो एक दूसरे से आगे निकल जाने की। अंततः अब मेरी दिल की धड़कनें तेज सांसों को भी पछाड़ने लगी थीं। जंगल में अभी तक किसी प्राणी की मौजूदगी के आसार नहीं दिखाई दे रहे थे, कोई जानवर, कोई पक्षी या हवा का झोंका जो पत्तियों को छेड़कर थोड़ी सी सरसराहट पैदा कर दे। कुछ भी तो नहीं था वहां। फिर मुझे अनजाना सा खौफ क्यों महसूस हो रहा था, पता नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इससे पहले कभी अंधेरे में इस प्रकार से जंगल से नहीं गुजरा था, लेकिन शायद अब मेरा लाल कोठी तक पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं, मैं खुद से ही बड़बड़ाया। हां, उस बुजुर्ग ने तो इसी दिशा की तरफ इंगित करते हुए कहा था। मैंने खुद को दिलासा देते हुए फिर से समझाने की कोशिश की। लाल कोठी के वजूद को लेकर मेरे मन में संशय के बादल उमड़ने लगे थे। कहीं ना कहीं मुझे इस बात का भी खौफ लग रहा था कि यदि मैं लाल कोठी तक पहुंचने में भटक गया तो मेरा इसी जंगल से वापस जाना शायद इतना आसान भी काम भी नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था, लेकिन मैं दिल ही दिल में यह फैसला कर चुका था कि कुछ भी हो जाए मेरे कदम लाल कोठी तक पहुंचे बिना थमने वाले नहीं थे, ये मेरा दृढ़ निश्चय था। तभी अचानक मैंने सामने जो दृश्य देखे उसे देखते के साथ मेरे पांव उसी स्थान पर जड़वत हो गए, मेरी आंखों की पुतलियां फैलने को विवश हो गईं। मैंने देखा कि मुझसे कुछ दूरी पर एक सफेद रंग का साया हवा में लहरा रहा था। देखते ही देखते अब वह धीरे धीरे मेरी ही दिशा में बढ़ती आ रही थी। मेरे हाथ पांव के कांपने का क्रम शुरू हो गया था और मेरी सांसें फूलने लगीं। ओह, कहीं मैं जो देख रहा हूं वह सच तो नहीं, मैंने घबराहट में खुद से यह सवाल किया। अब मेरी स्थिति यह थी कि देखते देखते मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं मानो जैसे छाती का पिंजड़ा तोड़कर बाहर आ जाना चाहती हो। अब वह साया बिल्कुल मेरे सामने थी। मेरा कालेज हलक तक आकर फंस गया था। अगली हरकत से कुछ भी घटित हो सकता था। मैं इस अप्रयाशित घटना के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वह साया मेरे करीब आई और बोली, क्या हुआ साहब, आप इतने खामोश से क्यों हो? मैंने प्रतिउत्तर में कुछ न कहा। उसने अपनी कलाई को ऊपर उठाया और चुटकी बजाती हुई बोली, कोई भूत भूत देख लिया क्या साहब? मैंने अपनी सहर में बची खुची पुलाबी होंठ, हां हां चलो ना, लालटेन तुम्हारी हाथ में है तो आगे तुम ही तो बढ़ोगी, मैंने यह जवाब देते हुए अपने भय को छिपाने की कोशिश की और उसके पीछे चल पड़ा। अभी कुछ दूर चला ही था कि तभी मेरे सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काट रही थी जिसकी सफेद हरी आंख मुझे ही घूर रही थी। उसी पल हूं कहीं से कुत्तों के और ऊहा ऊहा बिल्ली के रोने की आवाजें फिजा में घुलने लगीं। मेरे जिस्म में खौफ की एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं उससे आगे निकलने की होड़ में उसके बाजू से होता हुआ आगे जा पहुंचा। दरअसल मैं उस बिल्ली को पार करके उससे आगे निकल जाना चाहता था, तभी उस युवती ने टोक दिया, साहब अभी आगे बढ़ना सही नहीं होगा। क्यों? सुना है कि यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तो यह अशुभ संकेत होता है। वैसे भी ये आवाज सुन रहे हैं ना, कुत्ते बिल्लियों का रोना तो वैसे भी अशुभ माना जाता है। मैं इन दकियानुसी बातों में विश्वास नहीं करता, आओ आगे बढ़ें। ठीक है फिर चलिए। उसका ऐसा करना ही था कि तभी वह बिल्ली उस रास्ते के ठीक बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। मेरी नजरें उसकी सफेद और हरे रंग की पुतलियों से जा मिली।
वह अपलक मुझे निहारे जा रही थी जैसे मैंने आगे निकलकर कोई गुस्ताखी कर दी हो। तभी अगले पल उस युवती ने लालटेन आगे करके उस बिल्ली को डराने की कोशिश की। वह बिल्ली बिजली के झटके के साथ झाड़ियों की तरफ उछली और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। साहब आगे बढ़ो, अब वह नहीं आएगी, उस युवती ने यह बात बड़ी गंभीर मुद्रा में कही जैसे उसने सच कहा हो। यह लाल कोठी और कितनी दूर है, मैंने बात बदलने की कोशिश की। बस जो अगला मोड़ दिख रहा है ना, उसके सामने ही है। उस युवती की बात सुनते ही मुझे राहत मिली। अगले कुछ क्षणों के बाद मैं लाल कोठी के सामने था। उसे देखकर लगता था जैसे अंग्रेजों के जमाने का आधारभूत संरचना हो। उस कोठी के बाहर जलते हुए दीपक का लौ हवाओं से बहादुरी से जूझ रहा था। इस बात की गवाही दे रहा था कि वह जगह अब भी इंसानों के रहने लायक थी। मगर जैसे ही मैं उस लाल कोठी के अंदर आया, मैं एकदम से चौंक कर रह गया। वहां बहुत साफ सफाई थी और चीजें बड़ी करीने से रखी हुई थीं। वह बात अलग थी कि वहां रखी हुई वस्तु काफी पुराने समय की प्रतीत हो रही थी। अब मैं उस लाल कोठी के एक कमरे में था। यह जगह उतनी भी खास जगह नहीं थी, परंतु एक रात गुजारने के लिए इतनी बुरी भी न थी। अचानक मेरी नींद खुली तो मैं चौंक गया। उस कमरे के एक कोने में वह युवती खड़ी थी और मेरी तरफ ही एक टक देखे जा रही थी। मैं झटके से उठकर बैठ गया और उससे बुलंद आवाज में कहा, इस वक्त तुम यहां क्या कर रही हो? वो साहब, यहां बिजली की समस्या है ना, तो मैं लालटेन आपके कमरे में रखने आई थी, उसने बड़ी सहजता से जवाब दिया। मैंने देखा कि वह अब भी यहीं खड़ी थी। शायद उसके में कुछ और इच्छा थी, शायद वो बख्शीश के लिए रुकी हुई थी। मैंने उससे फिर से पूछा, अब तुम जा सकती हो साहब, और कुछ चाहिए क्या? उसने अपनी दोनों पलकें उठाकर पूछा, गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए तो बात बन जाए, सारी थकान एक क्षण में रफू चक्कर हो जाए, मैंने अपने दोनों बाजुओं को खोलते हुए कहा। लेकिन उसे तो शराब बहुत पसंद थी, उस युवती ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। किसे? मैंने तपाक से पूछा। था कोई एक, ये कहते के साथ वह कहीं खो गई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। मुझे उसकी इस बात में दिलचस्पी जाग गई। सब बताऊंगी साहब, पहले आपके लिए कॉफी का तो इंतजाम कर दूं। लेकिन इतनी रात में भला कहां से, यहां तो दूर दूर तक कोई घर नहीं, मैंने उससे हैरत से पूछा। बस अभी आई साहब, ये कहती हुई वह सरपट एक दिशा की तरफ दौड़ पड़ी। ओ बेचारी, मेरी कॉफी के चक्कर से बिना लालटेन के ही चली गई। ना जाने वह अंधेरे का सामना करते हुए कैसे कॉफी तक का सफर तय कर पाएगी। मैं उसके लिए थोड़ा चिंतित हो गया। ये कोठी गांव के बाहरी सीमा के बाद पड़ता था, तो उसको आने जाने में अच्छा खासा समय लगने वाला था, इसलिए मैं बिस्तर पर ही पसर गया। थके होने की वजह से मैं जल्द ही नींद के आगोश में समा गया। छटाक! अचानक इस प्रतिध्वनि से कमरा गूंज उठा और मेरी आंख खुल गई। मैंने अपने गाल को छू कर देखा तो दर्द से कराह उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे जोर से मेरे गाल पर तमाचा रसीद किया था। सामने दीवार पर ही एक दर्पण टंगा हुआ था। मैंने जैसे ही उस दर्पण के करीब आया, मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। ओह, यह नहीं हो सकता, मेरे गाल पर उंगलियों के निशान कैसे उभर आए, मैंने खुद से सवाल किया। मैं बहुत चकित था क्योंकि मेरे जिस गाल पर उंगलियों के निशान थे वह बिस्तर की तरफ थी। इस स्थिति में किसी को चांटा मारना असंभव था, ऐसा करने के लिए उस शख्स को बिस्तर के नीचे होना पड़ता। आखिर कोई बिस्तर के नीचे से चांटा कैसे मार सकता है, यह सोचते के साथ मैं स्तब्ध रह गया। मैंने बिस्तर के नीचे झांक कर देखा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मैं थक हार कर फिर से बिस्तर पर फिर से आकर लेट गया। अभी लेटे हुए कुछ क्षण हुए थे कि तभी मेरी आंख खुल गई। मगर इस बार किसी ने चांटा नहीं मारा था, बल्कि मुझे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। मुझे अपने पेट व सीने पर किसी भारी वजन का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी छाती पर बैठ गया है। बढ़ते वक्त के साथ उसका दबाव और भी बढ़ता चला जा रहा था। अब मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। मेरे चेहरे का रंग सुर्ख लाल हो चुका था। मेरे चेहरे के फूलते नस और सांस लेने की जद्दोजहद से साफ उजागर हो रहा था कि मैं सांस ले पाने में बिल्कुल भी असमर्थ हूं। उस वक्त मुझे इस तरह से आंखें फाड़कर छटपटाते हुए देखकर कोई भी एक पल के लिए तो वह भी डर सकता था।
मगर बढ़ते वक्त के साथ अब मुझे भी ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे जीवन का अंतिम क्षण निकट आ चुका है। चाहकर भी मेरे हलक से आवाज नहीं निकल रही थी, मानो किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया हो। खुद को अदृश्य बंधन से मुक्त करने की चेष्टा में लगा रहा। इस कोशिश में मेरा हाथ पानी के जग से जा टकराया और वह धड़ाम से आवाज करता हुआ फर्श पर जा गिरा। पानी कमरे के फर्श पर फैलने लगा था। मैं अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लाचार मैं अपने जीवन में कभी नहीं हुआ था। तभी मैंने अंतिम प्रयास किया और अपने कुल देवता को मन ही मन याद किया और अपने शरीर में बची खुची ऊर्जा को एकत्र करते हुए जोर से धक्का देने की कोशिश की। धड़ाम! इस आवाज के साथ वह कमरा गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे कि वास्तव में कोई बिस्तर से नीचे गिरा था। मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा था। मैं झट से फर्श पर खड़ा हो गया। मैंने कमरे में चारों तरफ दृष्टिपात किया, परंतु वहां लालटेन की रोशनी में मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं दिखा। मैं कुछ देर तक अवाक खड़ा और खुद को समझाने की कोशिश में जूझता रहा। मैंने पिछले कुछ पलों में जो कुछ भी यहां लाल कोठी में अनुभव किए थे, वो अपने जीवन में कभी नहीं किए थे। ये सब घटनाएं मेरे मानसिक पटल पर गहरा असर छोड़ रहे थे और मैं निर्णय लेने में असमर्थ हो रहा था। तभी बाहर कोई आहट हुई। वह आवाज दरवाजे से न आकर खिड़की के बाहर की तरफ से आ रही थी। ओ, यह आवाज कैसी है, मुझे चलकर देखना चाहिए। यह कहते के साथ मैं खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। तभी जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखते ही मेरे पांव जड़वत हो गए। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वहां बाहर सफेद रंग की आकृति थी जो हवा की तरह लहरा रही थी। मैं बुरी तरह आतंकित हो उठा। मैं चीखना चाहता था, मगर अत्यधिक खौफ के कारण मेरी चीख हलक में ही अटक कर रह गई। मेरे जिस्म के तमाम मसामों ने एक साथ ढेरों पसीना उगल दिया और जिस्म बर्फ सा ठंडा पड़ गया। मैं चाहकर भी कुछ कह और समझ पाने की स्थिति में नहीं था। तभी वह साया आगे बढ़ी और दौड़ते हुए वहां पास के कुएं में कूद पड़ी। छपाक की आवाज से वहां का वातावरण गूंज उठा। मैं दौड़कर उस तरफ गया। मैंने कुएं में झांक कर देखा तो यह देखकर मैं अवाक रह जाऊं कि वह कुआं तो बिल्कुल ही खाली था। उसमें पानी का कोई नामो निशान नहीं था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। खौफ की एक ठंडी लहर मेरी धमनियों में दौड़ गई। पसीने की एक महीन रेखा मेरे कान के पीछे से गले के रास्ते से होते हुए छाती तक जाने लगी, जिसकी वजह से मेरे बदन में सिहरन सी उठी और मैं नख से शीर्ष तक कांप उठा। साहब, आप यहां क्या कर रहे हो? यह जानी पहचानी आवाज सी लगी। मैंने पीछे पलटकर देखा तो वह युवती खड़ी थी जो मुझे यह लाल कोठी तक सफलतापूर्वक लाने में मदद की थी। मैंने घबराते हुए कहा, तुमने अब मेरे कंधे पर हाथ रखा था क्या? हां साहब, लेकिन आप उस कुएं में क्या झांक कर देख रहे थे? उस युवती ने अपने दोनों भौहों को ऊपर चढ़ाते हुए पूछा था। कुछ भी तो नहीं, दरअसल अंदर थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी तो सोचा कि क्यों ना बाहर जाके टहल लूं। मैंने उस सफेद साये वाली बात छिपाने का प्रयास करते हुए कहा। मुझे अच्छे तरीके से पता था कि यदि मैंने उसे सफेद साये के कुएं में छलांग मारने वाली बात कही होती तो वह मेरी खिल्ली उड़ा सकती थी। तभी मैं सोचूं कि साहब कॉफी मंगवा के बाद कहां गायब हो गए। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए अपनी हथेली से होठों और ठुड्डी को छिपाते हुए कहा, वाह, तो तुम कॉफी ले भी आई? वाकई तुम्हारा कोई जवाब नहीं? यह कहते हुए मैं कमरे के अंदर दौड़ पड़ा। सामने मेज पर कांच के गिलास में कॉफी दूर से ही दिख रही थी। मैंने झट से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल दुगनी गति से अपने हाथ को पीछे कर लिया। यह देखकर वह युवती चौंक गई और बोली, क्या हुआ साहब, कॉफी में कुछ गिर गया है क्या? नहीं तो, वो कांच का गिलास है ना, तो ज्यादा गर्म होगा और ऐसे में हथेली से पकड़ने में आराम नहीं होगा ना, मैंने उसे रचनात्मक जवाब देते हुए कहा। दरअसल मेरे ऐसा करने की वजह वह कॉफी का गिलास नहीं बल्कि पानी का जग था। वह जग उस मेज पर सही सलामत था और वह अब भी पानी से लबालब भरा हुआ था, जबकि कुछ देर पहले तो वह मेरे हाथ से अनजाने में गिर गया था। फर्श भी पूरा सूखा हुआ था, जैसे वह चीख चीख कर अपनी गवाही दे रहा हो कि वह फर्श पर गिर ही नहीं था। साहब, हम पहाड़ी लोग तो स्टील के गिलास में ही अक्सर चाय पीते हैं, उसे पीते वक्त हम लड़कियां तो दुपट्टे का इस्तेमाल कर लेती हैं,
ये कहने के बाद वह कुछ क्षण रुकी, फिर अपनी बात को पूरी करती हुई बोली, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने रुमाल का इस्तेमाल करें? इससे आपको कॉफी पीने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी। वाह, यह तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो बहुत अच्छी तरकीब बता दिया। ये कहते के साथ मैंने झट से कॉफी के गिलास को अपने हाथों में ले लिया। मैं बिस्तर पर बैठकर कॉफी को खत्म करने में लग गया। मुझे यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि वह तब तक उसी कमरे में मौजूद थी। जैसे ही मैंने कॉफी खत्म करने के बाद गिलास को मेज पर रखा तो मेरी आंखें उसकी आंखों से जा टकराई। वह मंत्रमुग्ध होकर मुझे ही निहारे जा रही थी, मानो जैसे वह सम्मोहित हो गई हो। मैंने झट से अपनी हथेली हवा में लहराते हुए चुटकी बजाते हुए कहा, अरे तुम अभी यहीं हो, गई नहीं? मेरे इस हरकत से वह तंद्रा भंग हो गई और हड़बड़ाते हुए बोली, साहब और कुछ जरूरत हो तो बेहिचक बता देना, मैं यहीं बाहर बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठी मिलूंगी। मैंने घड़ी में नजर दौड़ते हुए कहा, हां ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रात के 2 बजे मुझे अब किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो। यह कहने के बाद मैंने कंबल को खींचा और अपने शरीर को ढककर सोने का उपक्रम शुरू कर दिया। तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे उस कमरे में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। मैं झटके से बैठ गया और जो मैंने देखा उसे देखते कुछ पल के लिए मेरी सांसें ही रुक गई। तुम गई नहीं अभी तक? मैंने सहमते हुए उस युवती से कहा। मेरी यह बात सुनते ही वह हल्की सी मुस्कुराई और बोली, साहब कुछ चाहिए आपको? अरे नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अब तुम यहां से जल्दी जाओ, मुझे सोना भी है, मैंने इस बार डांटते हुए कहा। इस बार मेरी आवाज शायद ज्यादा ही बुलंद थी, जिसकी वजह से वह एक बार कांप गई थी, लेकिन मेरी बातों का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ और वह मुस्कुराती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। वह मेरे पांव के पास आने के बाद रुकी, फिर बोली, साहब लाओ मैं आपके पांव दबा देती हूं, आप थक गए होंगे ना? मैंने झटके से पांव मोड़ते हुए कहा, नहीं मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम उम्र में मुझसे छोटी हो और मेरी बहन जैसी हो। हमारे यहां बेटियों के देवी तुल्य माना जाता है और बेटियों को पांव छूने की इजाजत नहीं होती। लेकिन साहब, तुम मुझे साहब ना कहो, मेरा नाम अटल पेन्युली है, तुम अटल कहकर संबोधित कर सकती हो। सच साहब, आप कितने अच्छे हो। यह कहते के साथ उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी यह परिस्थिति देखकर मैं समझ गया था कि यह सब वह आमदनी के लिए कर रही थी। इतनी रात को दौड़कर कॉफी लाने के लिए जाना, आधी रात को किसी अजनबी के पांव के दबाने की मंशा, यह सब उसकी गरीब होने का ही तो परिसूचक थी। मुझे यह देखकर उस पर तरस आ गया और मैंने बिस्तर के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ यहां बैठ जाओ, हम लोग कुछ देर के लिए बात करते हैं। वह बिना झिझकी वहां बैठ गई। मैंने माहौल अच्छा करने की कोशिश की और उससे बोला, मेरी अगर कोई बहन होती ना तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होती, लेकिन तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। शगुन, शगुन उनियाल है मेरा नाम, मेरे पिता मुझे प्यार से शुग्गू बुलाया करते थे। ये कहते हुए उसकी आंखों में विशेष चमक थी। कहां करते थे से क्या मतलब? क्या अब वो जीवित नहीं? मैंने उससे प्रश्न किया। वो मेरा मतलब कि जब मैं छोटी थी ना तब मुझे शुग्गू कहा करते थे, अब तो बड़ी हो गई ना साहब। ये कहते हुए उसके चेहरे के भाव कुछ अलग से थे, जैसे वह कोई बड़ी बात मुझसे छिपा रही हो। तुमने मुझसे फिर से साहब कहा, मैंने मना किया था ना, परंतु मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूं? जैसे एक बहन भाई का नाम लेती है वैसे। अच्छा चलो, तुम्हें मेरा नाम लेना अजीब लग रहा है तो भैया कहकर संबोधित करो। हां ये ठीक कहा, मैं आपको भैया ही बोलूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी। ये चमक शायद उसकी खुशी को दर्शा रही थी। उसकी बातों से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि वह घर में इकलौती संतान होगी जिसके कंधे पर घर चलाने का दायित्व होगा और जिसके वजह से वह लाल कोठी के मेहमानों का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। भैया एक बात कहूं? उसने मेरी तरफ अपनी दृष्टि जमाते हुए पूछा। मैंने हां में अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद वह बोली, आपको लाल कोठी का पता किसने बताया और आप यहां किसी काम से आए हो क्या? क्यों मुझे इस लाल कोठी में नहीं आना चाहिए था क्या? या जो यहां आ जाता है वापस नहीं जाता? मेरा मतलब वो, अरे पागल मैं मजाक कर रहा हूं, मैंने हंसने की उपक्रम शुरू कर दिया। फिर अपनी बात को पूर्ण करते हुए कहा,
दरअसल मैं बैंक में काम करता हूं और मैं अंकेक्षण अधिकारी हूं। मुझे कल सुबह मसूरी के किसी बैंक में ऑडिटिंग करनी थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी कार से रात को ही मसूरी पहुंच जाऊं और वहां से देहरादून शहर को रात में तारों की तरह टिमटिमाते देख आनंद ले सकूं। लेकिन ऐन वक्त पर मेरी कार आधे रास्ते में जंगल में खराब हो गई। फिर मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया कि मेन रोड को छोड़कर आगे से एक कच्ची सड़क जाती है जो लाल कोठी नामक गेस्ट हाउस तक जाती है। मुझे आज की रात वहीं गुजारनी चाहिए। मैंने सोचा कि एक रात की ही तो बात है, मैं सुबह यहां से तो निकल ही जाऊंगा। मैं उन पगडंडियों से होता हुआ अभी थोड़ी दूर चला ही था कि तभी तुम नजर आ गई। फिर उसके बाद की कहानी तो तुम्हें पता ही है। ये कहने के बाद मैंने राहत भरी सांस ली। शगुन, तुम यहां अकेली ही रहती हो क्या? तुम्हारा साथ देने के लिए कोई स्टाफ नहीं है क्या? भैया, अब आप आ गए हो ना, तो फिर मैं अकेले कैसे हो सकती हूं? लेकिन मैं तो सुबह होते ही चला जाऊंगा, ये लाल कोठी की देखरेख करने वाला कोई तो होगा ना। लोग इस तरफ आना बहुत कम ही पसंद करते हैं। क्यों? वो दरअसल ये लाल कोठी अंग्रेजों के समय से है और अपने खस्ता हाल से जूझ रही है। यह मेन रोड से काफी दूर है और इस तरफ आने का पैदल रास्ता ही है, जिसकी वजह से लोग यहां आना बहुत कम पसंद करते हैं। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता और मैं उनकी इकलौती संतान हूं, जिसकी वजह से इसकी देखरेख की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है। हमारी पुश्तैनी जागीर है तो इसे छोड़कर जा भी नहीं सकते। शगुन, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि यह लाल कोठी गले की ऐसी हड्डी है जिसे ना तो निगला जा सकता और ना ही उगला ही जा सकता है। मेरे ऐसा कहते वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और इस हंसी में मैंने भी उसका भरपूर साथ दिया। दरअसल मैं माहौल को हल्का करना चाहता था और उसका ध्यान इस लाल कोठी की समस्याओं से बाहर निकालना चाहता था। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मैंने हां में अपना सिर हिला दिया, जिसे देखने के बाद वह बोली, क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं। ये कहते के साथ मैंने अपना सिर झुका दिया था। क्यों भैया, अच्छी खासी तो नौकरी है, आपको भला कौन लड़की मना कर सकती है? दरअसल मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं उसका नाम सारिका है और वह भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, परंतु हम दोनों अलग धर्म से हैं तो उसके घर वाले हमारे दुश्मन बने बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि सारिका मुझसे प्रेम नहीं करती, लेकिन वह घर से भागकर शादी करने के खिलाफ है। वह कहती है कि उसकी शादी नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। न भैया, न ऐसा बिल्कुल भी न करने देना। आत्महत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, देखना ईश्वर सब ठीक कर देगा। हां, उसी के भरोसे तो अब तक बैठा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वह हमारी सुनेगा, क्योंकि प्यार के इस लड़ाई में हम इंसानों ने भगवान और खुदा को शामिल कर लिया है। अब यह लड़ाई दो धर्मों की वजह से पैदा हो गई है, जिसका मुझे अब कोई समाधान नहीं दिखता। लेकिन इस बार भगवान और खुदा दोनों सहमत हो जाएं और उसके घर वाले मान गए तो। ये कहते उसने अपनी रहस्यमयी दृष्टि मेरे ऊपर टीका दी। तो शादी के बाद मैं तुम्हारे इस लाल कोठी में सारिका को लेकर जरूर आऊंगा। सच भैया? हां बिल्कुल, लेकिन मुझे पता है यह संभव नहीं। वह सब मेरे पर छोड़ दो। उसकी इस बात में बहुत बड़ा आत्मविश्वास दिखा था। मैं उसकी इस बात को बचकानी समझने की सबसे बड़ी भूल कर दी और उसकी इस बात पर हंसने लगा। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, अब मुझे सोने दो। कल सुबह उठकर मुझे मसूरी के लिए भी निकलना है। हां, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। ठीक है भैया, लेकिन अपना वादा याद रखना। कौन सा वादा? लो, इतनी जल्दी भूल भी गए? ओ अच्छा, सारिका को साथ लेकर आने की बात। अरे तुम निश्चिंत रहो, मैंने जो एक बार जो बात कह दी वो पत्थर की लकीर समझो। मेरे ऐसा कहते ही वो खुशी से वहां से जाने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगता था जिसे उसकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 3 बजने में कुछ समय ही शेष थे। मुझे कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी करनी जरूरी थी, इसलिए मैं कंबल तानकर सो गया। सुबह चिड़ियों के कलरव से मेरी नींद टूटी तो देखा कि सूर्योदय हुए थोड़ा वक्त हो चला था। सूर्योदय का दृश्य इतना सुंदर और मनमोहक होता है कि इसे केवल देखते रहने का मन करता है। मनुष्य क्षण भर के लिए अपनी सारी दुख परेशानियां भूल जाता है।
सूर्योदय से उसके अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। आसमान धीरे धीरे लाल से सफेद होता जा रहा था और उगते हुए सूर्य के दृश्य को देख मैं पुलकित हो रहा था। लंबे लंबे हरे पेड़ों से छनती हुई प्रातःकालीन सूर्य की किरणें बड़ा मनोहारी दृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। थोड़ी ही देर में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी और आसमान में चिड़ियों के कई झुंड उड़ते दिखाई दिए। पेड़ों के पीछे सूरज की लुका छिपी बड़ी सुंदर लग रही थी। उन दृश्यों को थोड़ी देर तक मैं और निहारने का दिल कर रहा था, परंतु अब घड़ी में 7 बजे का वक्त हो रहा था। मैं नहा धोकर वहां से निकलने की तैयार करने लगा था। मैंने शगुन को उस लाल कोठी में लगभग हर जगह तलाश की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं दिखी। मुझे मसूरी के लिए जल्द ही निकलना था, जिसकी वजह से मुझे देर हो रही थी। इसलिए मैंने वहां काउंटर पर 2 500 के नोट रख दिए और वहां से पैदल मार्ग से अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। लगता है वह सुबह सुबह अपने घर की तरफ गई होगी, शायद मेरे लिए कॉफी लेने गई होगी। फिलहाल तो मैं उसके लिए नहीं रुक सकता, लेकिन वापसी में उससे मिलता हुआ जरूर जाऊंगा। ये कहते हुए मैंने अपने दिल को दिलासा दिया। तभी मेरी नजर सामने पड़ी, जिसे देखते ही मेरी भ्रुकुटी तन गई। सामने से कुछ लोग एक समूह में आ रहे थे और उन सभी के हाथों में बड़े बड़े लठ थे। देखते ही देखते वो सभी मेरे पास आ गए और मुझे रोकते हुए कहा, क्या तुम ही वो अजनबी हो जो कल रात लाल कोठी में रुके थे? हां, मगर आप सब कौन हैं और यहां इस तरह से? असंभव, ये असंभव है, मेरी बात काटते हुए उन भीड़ में से शख्स ने कहा। इसमें असंभव वाली कौन सी बात है? आपको यकीन नहीं आता तो शुग्गू से पूछ लो। तभी उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने मेरी बांह पकड़कर आश्चर्यजनक रूप से पूछा, तुम्हें यह नाम शुग्गू कैसे पता? अरे भाई, वह लाल कोठी शगुन उनियाल का ही तो है। उसी ने मुझे बताया था कि उसके पिता उसे शुग्गू के नाम से पुकारा करते थे, लेकिन आप लोग मुझसे इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब तुम्हें लाल कोठी जाकर ही मिलेगा। आओ चलो हमारे साथ। यह कहता हुआ वह आदमी मेरे बाजू को बिना छोड़े लाल कोठी की दिशा में ले जाने लगा। मैं अब कुछ देर में ही लाल कोठी के सामने खड़ा था। लाल कोठी के हालिया दृश्य देखकर मैं एक बार कांप उठा। जिस जगह पर अभी थोड़ी देर पहले तक लाल कोठी हुआ करती थी, उसकी जगह एक खंडहर ने रूप ले लिया था। असंभव, यह भला कैसे हो सकता है? मैंने कल रात यहीं गुजारी थी। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यह किसी अंग्रेजों के जमाने की कोठी नजर आ रही थी, अचानक यह खंडहर में कैसे तब्दील हो गई? ये कहते के साथ मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी मेरे अंदर करंट सा दौड़ा और मैं दौड़कर उस कमरे के अंदर गया जहां मैं कल रात सोया था। उस कमरे की दशा देखकर तो मैं और भी ज्यादा अवाक रह गया था। जिस जगह मैं सोया था वहां टूटी हुई चारपाई लगी हुई थी, जिसके चारों ओर मकड़ों ने अपना जाल बनाया हुआ था। परंतु मैं जैसे ही वापस मुड़कर बाहर जाने लगा, तभी मेरी नजर वहां धूल फांकती मेज पर पड़ी, जिसके ऊपर 2 500 के नोट हवा में फड़फड़ा रहे थे। मैंने उन नोटों को झट से हाथ में उठाते हुए एक ग्रामीण को दिखाते हुए बोला, देखो मैं कहता था ना कि मैंने कल रात यहां गुजारी है। सुबह जब शुग्गू नहीं मिली तो मैंने ही ये नोट यहां रखे थे। मैं बिल्कुल सच बोल रहा था। हमने कब कहा कि आप झूठ बोल रहे थे? एक ग्रामीण बोला। तो फिर इस खंडहर का अचानक से प्रकट होने के पीछे क्या रहस्य है? मैंने अपने दोनों भौहों को ऊपर उठाते हुए पूछा। सब बताएंगे, पहले आप इस जगह से चलो। फिर उसी ग्रामीण ने मेरी बाजू दोबारा से पकड़ ली, जो मुझे यहां तक लेकर आया था। मैं कुछ ही देर में अपने कार के पास खड़ा था। सभी ग्रामीणों ने एक दूसरे का मुंह ताका, फिर उनमें से एक व्यक्ति मेरे करीब आया और बोला, साहब दरअसल जो बात अब हम बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनके आपके या मेरे ना मानने से उसकी सच्चाई नहीं बदल जाती। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने रहस्यमयी दृष्टि उस ग्रामीण के ऊपर डालते हुए कहा, आप जिस लाल कोठी में कल रात ठहरे थे वह भूतिया कोठी है। क्या? हां साहब, लेकिन मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। ये सब अंधविश्वास का खेल है, इसलिए भूत केवल गांव वाले लोगों को ही दिखते हैं। लेकिन कल रात आपने भी देखा है, शुग्गू कोई जीती जागती लड़की नहीं, बल्कि एक भटकती आत्मा है जो अंग्रेजों के समय से अपनी मुक्ति के लिए भटक रही है। क्या? हां साहब,
आज तक जो भी इंसान लाल कोठी में रात बिताई है वह जीवित नहीं बचा है। इस वजह से कोई उस तरफ अकेले दिन में भी जाने से कतराता है। ये तो गनीमत है कि आप सही सलामत आ गए। आप पहले इंसान हो जो सही सलामत वापस उस लाल कोठी से आए हो। जरूर आपने कोई अच्छे कार्य किए होंगे। उसकी बातें सुनकर मेरा माथा घूम गया। मेरे मानसिक पटल पर कल रात का एक एक दृश्य, जैसे उसकी खुशी से अकेले रात में कॉफी के लिए जाना, मेरी छाती पर कसी अजनबी साये का बैठक कर मेरा दम घोंटना, कुवे में छलांग मारने वाली घटना और दोनों के कपड़ों का एक ही समान होना। अब मैं काफी हद तक उनकी बातों से सहमत था। अब कल रात की सच्चाई और दिन के उजाले की हकीकत मेरे सामने थी जी, की वजह से मैं अब बड़ी आसानी से शुग्गू और लाल कोठी की सच्चाई जान पाने में समर्थ था। मैंने उस ग्रामीण से पूछा, मैं शुग्गू की सच्चाई जानना चाहूंगा कि उसकी मौत कैसे हुई और वह वहां भटकने के लिए क्यों मजबूर है। उस ग्रामीण ने कहा, शुग्गू और उसके पिता की मौत तकरीबन 100 साल पहले हो चुकी है। एक समय था जब शगुन उनियाल उर्फ शुग्गू उस लाल कोठी का दायित्व बखूबी अंजाम दे रही थी, परंतु एक बार उस लाल कोठी में अंग्रेज अधिकारी ठहरने के लिए आए। शुग्गू ने सोचा कि उनकी खिदमत करके वह अच्छा खासा बख्शीश पालेगी, तो उन पैसों का इस्तेमाल वो अपने बीमार मां के इलाज में कर लेगी। लेकिन किसे पता था कि उसका यह फैसला उसके जीवन का सबसे बुरा फैसला हो जाएगा, जिसकी वजह से वह आजीवन उसी लाल कोठी में भटकने को मजबूर हो जाएगी जिसकी देखरेख वह हमेशा से करती आ रही है। उसी रात जब शुग्गू अंग्रेज अधिकारी के कमरे में खाना देने गई, तो वह देखकर अवाक रह जाती है कि वह कमरा धुएं के गिरफ्त में था। वह अंग्रेज अधिकारी शिगार पीने में मशरूफ था। शुग्गू ने उस कमरे की खिड़कियों को खोला तो कमरे का माहौल थोड़ा थी हुआ। जैसे ही उसकी नजर सामने मेज पर पड़ी तो वह यह देखकर चकित रह गई कि वह अंग्रेज अधिकारी नशे में पूरी तरह धुत था और 2 शराब की बोतल खाली कर चुका था। शुग्गू को देखते ही उसकी बांछें खिल गईं और उसने उसे अपने पैर दबाने को कहा। गरीबी क्या ना करवाए, न चाहते हुए भी वह उसके पैर दबाने के लिए आगे बढ़ी, क्योंकि शुग्गू को पैसों की जरूरत थी और उसके मां के इलाज के लिए बहुत जरूरी थे। उस लाल कोठी की देखरेख करने से मात्र उसके परिवार के रहने और खाने का ही मुश्किल से इंतजाम होता था, इसलिए वह उस अंग्रेज अधिकारी को नाराज भी नहीं कर सकती थी। तभी अचानक उस अंग्रेज अधिकारी की नीयत फिसली और उसने शुग्गू को अपने बाहों में दबोच लिया। शुग्गू ने लाख कोशिश की, लेकिन वह अपने आप को उस वहशी जानवर से मुक्त नहीं करवा पाई और उसकी इज्जत तार तार करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह जब शुग्गू को होश आया तो उसकी दुनिया उजाड़ चुकी थी। जीते जी यह अपनी इस अपमान को पचा ना सकी और उसी लाल कोठी के कुएं में छलांग मारकर खुदकुशी कर ली। कुएं वाली घटना सुनकर मैं एक बार नख से लेकर शीर्ष तक कांप उठा। मेरे मानसिक पटल पर फिर से उस साये के कुएं में छलांग मरने की घटना ताजा हो चली। इसका मतलब मैंने कल रात जो जो चीजें देखी और जो भी मेरे साथ घटित हुआ वह 100% खरी थी। वो कुएं में शुग्गू का कूदना और हां साहब, इतना ही नहीं, जब अगले दिन उसके पिता को शुग्गू की मौत की असलियत पता चली तो उस अंग्रेज अधिकारी ने इसी सड़क के चौक पर उसके पिता को अपनी गाड़ी से रौंध डाला। उस घटना को बीते हुए तकरीबन 100 साल से अधिक का समय हो गया ही, परंतु सूर्यास्त के बाद जब भी कोई अजनबी या कोई राहगीर यहां से गुजरता है तो उसके पिता की आत्मा लाल कोठी की तारीफ करके एक रात बिताने की बात लिए विवश कर देता है। बाकी का काम उस लाल कोठी में शुग्गू आए राहगीर को मौत के घाट उतार कर पूरा कर देती है। लेकिन साहब, आपको उसने जीवित क्यों छोड़ा यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मौत के इस भयावह खेल से हम सभी ग्रामीण मुक्ति चाहते हैं, जिसकी वजह से आज भी हम हाथ में लठ लिए बारी बारी से इस क्षेत्र में पहरा देते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, तभी मेरे मोबाइल पर किसी की कॉल आई। उधर से जो आवाज आई वह मैं मंत्रमुग्ध होकर बस सुनता ही चला गया। थोड़ी देर में कॉल कट गई और मेरे चेहरे पर भय की जगह मुस्कुराहट ने अपना स्थान ले लिया था। मैंने एक ठंडी आह भरी और बोला, मैं यह तो नहीं कहता कि यह मेरी खुशनसीबी थी जिसकी वजह से मेरे प्राण बच गए, लेकिन इतना जल्द कहूंगा कि अब वह किसी भी राहगीर की जान नहीं लेगी। मैं बहुत जल्द यहां फिर आऊंगा और शुग्गू की आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी करूंगा,
जिसकी वजह से उसे मुक्ति भी मिल जाएगी। ये कहने के बाद मैंने अपनी कार की चाबी घुमाई तो वह झट से खिसियानी बिल्ली की तरह आवाज करती हुई स्टार्ट हो गई। मैं मसूरी की तरफ जाने वाले राजमार्ग की तरफ अपनी कार बढ़ा चला था। दरअसल वह कॉल और किसी की नहीं बल्कि खुद शारिका की थी। उसने मुझे बताया कि उसके अब्बू और अम्मी हम दोनों की शादी के लिए मान गए थे। अचानक यह चमत्कार एक रात में कैसे हुआ यह तो नहीं पता, लेकिन मैं अब भी एक बात से भय खा रहा था कि हो न हो यह शुग्गू का ही काम था, क्योंकि उसने कल रात खुद कहा था कि मेरी और सारिका की जल्दी शादी होगी। तब मैंने उसकी यह हरकत बचकानी समझी थी, क्योंकि तब मैं उसे जीती जागती इंसान समझने की भूल कर बैठा था। लेकिन इस वक्त मेरी परिस्थिति और मनोदशा ऐसी थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवित बचे रहने की खुशी मनाऊं या सारिका से मेरा विवाह तय हो जाने का जश्न मनाऊं, क्योंकि शुग्गू की कही बात आखिर सत्य हो गई थी और उसकी शर्त के मुताबिक मुझे विवाह के बाद सारिका के साथ उस लाल कोठी में शुग्गू से मिलवाने लेकर जाना था। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म हो गई है। कहानी में हमको ये सीखने को जरूर मिला कि कोई भी हो, हमको उससे अच्छे से बात करना चाहिए और उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, चाहे वो अकेला क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए, और कमेंट करके ये भी बताए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसने सबसे ज्यादा अभी तक मेरी कहानियों में कमेंट किए हैं उसका नाम आने वाला है कुछ वीडियो के बाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहे। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।